जहां पिछले एपिसोड के अंदर रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट्स स्टंट ना कर पाने पे नाराज नजर आ रहे थे, तो इस बार कंटेस्टेंट्स ने मिलकर किया रोहित शेट्टी को खुश। सभी कंटेस्टेंट स्टंट बहुत अच्छे से परफॉर्म किए। तो वही राजीव दातिया ने स्टंट से पहले ही अपना पैर तोड़वाया। क्या हुआ एपिसोड 16 के अंदर बताऊंगी आपको इस वीडियो में, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। मैं इसे लेकर आई हूँ आप सबके लिए एपिसोड 16 के हाइलाइट्स। एपिसोड 16 के सबसे पहले स्टंट की ये एक पार्टनर बेस्ड स्टंट था जिसके अंदर दो जोड़ियां परफॉर्म करने गई। पहली जोड़ी थी निशांत एंड कनिका की, सेकंड जोड़ी थी राजीव एंड श्रीति की। स्टंट कुछ ऐसा था कि एक कंटेस्टेंट को पानी में उल्टा लटका दिया जाएगा, उसे बार बार पानी में डिप किया जाएगा। दूसरा कंटेस्टेंट पानी से बाहर खड़ा होगा एक बॉक्स के पास, उसके अंदर तीन चाबी होंगी एंड वो बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट होगा। सबसे पहले स्टंट परफॉर्म करने गए थे निशांत एंड कनिका, इन्होंने ये स्टंट कंप्लीट किया एंड बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। सेकंड जोड़ी गई थी राजीव एंड श्रीति की, राजीव एंड श्रीति ये स्टंट कंप्लीट नहीं कर पाए, श्रीति ने स्टार्टिंग में ही स्टंट को अबॉर्ट कर दिया एंड ये स्टंट कंप्लीट किया निशांत एंड कनिका की टीम ने एंड वो फिर फंदा से रिलीज हुए। तो इसी स्टंट के बाद राजीव दातिया जब अपनी सेकंड लोकेशन के लिए निकल रहे थे तो वो गिर जाते हैं एंड उनके पैर में मोच आ जाती है। तो वैसे तो नेक्स्ट स्टंट बेसिकली होना चाहिए था एलिमिनेशन स्टंट, लेकिन ट्विस्ट लाने के लिए एलिमिनेशन स्टंट से पहले एक और चांस दिया गया इस फियर फंदे से छुटकारा पाने का। वैसे तो इस स्टंट के अंदर परफॉर्म करने के लिए जाना था मोहित, श्रीति एंड राजीव को, लेकिन राजीव दातिया को क्योंकि चोट थी तो उन्हें मौका दिया गया प्रॉक्सी के लिए। प्रॉक्सी के लिए पहले ही हाँ भर चुके थे फैजू, तो राजीव दातिया ने भी सेकंड चांस ना लेते हुए फैजू को ही स्टंट करने के लिए भेजा। स्टंट ऐसा था कि कंटेस्टेंट होंगे चौपर पे, उन्हें नीचे आके एक नेट के ऊपर से 5 फ्लैग निकालने थे, उसके बाद सेल्फी लेनी थी फोन से एंड पानी में गिरना था। सबसे पहले स्टंट परफॉर्म करने गई थी श्रीति। श्रीति ने पिछला स्टंट अबॉर्ट किया था एंड वो चीज उनके माइंड में बहुत ज्यादा फिट हो गई थी। श्रीति ये स्टंट भी अच्छे से नहीं कर पाई एंड वो जल्दी ही पानी में गिर गई। उसके बाद गए थे मोहित, मोहित ने काफी हद तक कंप्लीट करने की कोशिश की लेकिन कंप्लीट तो वो भी नहीं कर पाए, लेकिन फैजू ने बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया एंड स्टंट को कंप्लीट किया एंड सेल्फी लेकर ही वापस आए। रोहित शेट्टी स्टंट के बाद काफी खुश नजर आए फैजू से, तो राजीव दातिया को भी बोल रहे थे बच गया तो फैजू ने तेरे को बचा लिया। तो इस स्टंट के बाद डायरेक्ट एलिमिनेशन में जाती है मोहित एंड श्रीति। अब बारी थी कनिका के अपने के मेडल को यूज करने की, जिसके अंदर वो एक कंटेस्टेंट को बचा सकती थी लेकिन किसी और कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन में डालकर। तो कनिका ने चूज किया मोहित को सेव करने के लिए एंड श्रीति के साथ जन्नत को डाला। जब जन्नत का नाम लिया तो वहां पे थोड़ी सी कहा सुनी नजर आई, लेकिन फाइनली नाम तो ले दिया गया था। तो स्टंट परफॉर्म करने के लिए गई थी जन्नत एंड श्रीति। स्टंट ऐसा था, एक प्लेटफॉर्म को हाइट पर टांग दिया गया था, उस प्लेटफॉर्म को बीच का सेगमेंट स्विंग था जिसके ऊपर कंटेस्टेंट को अपना मोमेंटम बनाते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था एंड फ्लैग्स को हुक करना था। ये स्टंट पहले परफॉर्म करने गई थी जन्नत। जन्नत को स्टार्टिंग में काफी टाइम लगा उस चीज को समझने में, जन्नत ने 3 फ्लैग कलेक्ट कर लिया। सेकंड ये स्टंट परफॉर्म करने गई थी श्रीति। श्रीति जंप ही नहीं कर पाई एंड उन्होंने बोला मैं टाइम वेस्ट ही करूंगी, मेरे से जंप नहीं होगा एंड वो वापस आ गई। श्रीति ये स्टंट कर ही नहीं पाई। श्रीति ने जैसे ही वो स्टंट अबॉर्ट किया था वहीं से श्रीति के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी, वो स्टंट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। वैसे तो मैंने कल अपनी वीडियो में आपको बता दिया था कि श्रीति ही होंगी एलिमिनेशन में एंड ऐसा ही हुआ। इस हफ्ते हुआ श्रीति का एलिमिनेशन। कमेंट करके जरूर बताना कि कनिका के ये डिसीजन की जन्नत को एलिमिनेशन टास्क में डालेंगे ये आपको कैसा लगा एंड अब खतरों के खिलाड़ी मिडवे आ चुका है तो आपके हिसाब से इस शो का विनर कौन होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगे ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।